अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आप जानते हैं आपका अपना असद अली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। और आज का व्लॉग बनाने का मकसद मेन ये है कि आज जो लवाकिन है, लवाकिन भी मजमून है, भाई क्या हाल है, कैसे है, खैरियत से? आपने आईफोन रखा हुआ है? नहीं, पीछे से तो आईफोन लग रहा है भाई, दिखने में आईफोन है बटनों। वाह भाई वाह, चाइना की क्या जुगाड़ है, होते हैं ये कह रहे गोरकन नहीं है, आप यही होते हो? आजा तुम क्या ले रहे हो? अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आप जानते हैं आपका अपना असद अली। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करता हूँ आज का व्लॉग अल्लाह के नाम से। और आज बड़ी रात है, बहुत बड़ा दिन है, जागने की रात है, और उम्मीद है कि आप सब लोगों ने रोज़े भी रखे होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं नहीं रख सका क्योंकि कुछ इशूज़ थे, इस वजह से रखना था मैंने लेकिन नहीं रख पाया। चलो कोई बात नहीं, रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में रखेंगे इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद है कि सारे रोज़े रखें, हर साल इंशाल्लाह सारे रोज़े जाते हैं, इस साल भी उम्मीद है कि सारे रोज़े जाएँगे, रमज़ान करीब है। तो आज की रात की बात करते हैं कि आज बहुत बड़ी रात है, आज अमालनामे लिखे जाते हैं सारे, और कोई गलती कोताही माफ़ कर दें, मेरे से कोई गलती हुई हो, अगर मैंने किसी का कभी ज़िंदगी में दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और अभी मेरा सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि वहाँ पर मेरे दादा, मेरे दादी, मेरे नाना नानी की कमरे हैं। और आज का ब्लॉग बनाने का मेन मकसद यही है कि आज पाकिस्तान जा रहे हैं, और मेन मकसद जो ब्लॉग बनाने का है कि मैं अपनी दादा दादी की, नाना नानी की कमरे वहाँ दिखाऊँगा, क्योंकि कुछ मेरे रिलेटिव हैं जो कब्रिस्तान तक नहीं पहुँच पाए थे। तो उसका मकसद ये है कि सोसाइटी कब्रिस्तान में आप लोगों को पता है कि चलने का बिल्कुल बहुत इश्यू होता है, प्रॉब्लम होती है, लोग सही से चल नहीं पाते, कब्रों पे कब्रें बनी हुई हैं, बिल्कुल रास्ता नहीं है। तो मेरा मेन मकसद यही है वीडियो बनाने का कि मैं अपने लवाकिन को, अपने रिश्तेदारों को वीडियो के ज़रिए उनके लवाकिन की कब्रें दिखाऊँ, ताकि वो फातिहा पढ़ें और दुआ करें उनके लिए। तो मैं चलता हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड तक वीडियो देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, और आओ मैं। आजा तुम क्या ले रहे हो? महंगा तो नहीं दे रहे? आप ये दो। Thank you.
नाम क्यों मिट गया? राजमाम कहाँ है वो आप? राजमाम क्या राजमाम कहाँ है वो? कहाँ आए हैं? किसकी कब्र है ये? नानी की। क्या करते हो आप यहाँ पे? गोरकर बोलते हैं ना? गोरकन नहीं है, मुसलमान होते। मुसलमान नहीं होते गोरकन? ये तो क्या हो, गोरकन मुसलमान नहीं होते? मुसलमान होते हैं। नहीं कह रहे गोरकन नहीं है? आप यही हो तो अगर किसी को आपको ढूंढना हो ये पानी डलवाने के लिए कहाँ मिलोगे आप? तो स्टाफ हमारा वो गेट के बराबर में साफ करते हैं, बिच्छू निकालते हैं, साफ माम निकालते हैं, कांटे माटे निकालते हैं हमको। अपना नाम बता दो, कोई वीडियो देख के आप तो से नाम मिले। स्माइल है, स्माइल भाई अगले स्टाफ है हमारा। तो गाइस स्माइल भाई से मिलें और स्माइल भाई को जो है आए स्माइल भाई के पास काम दें उनको। यहाँ पे मेहनती है इंसान, मेहनत कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, जिनकी मगफरत हो गई है उनकी। और ये भाई भी, आपका नाम क्या है? अब्दुल गनी भाई भी बहुत अच्छे लगे हमें। अल्लाह पाक इनके रिस्क में इजाफा करे, परेशानियां दूर करे, हम दुआ करते हैं। और जो इनके लिए कुछ करना चाहता है तो ये सोसाइटी कब्रिस्तान पे मौजूद होते हैं और इनसे आप मिलें, इनको सपोर्ट करें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं उनकी जो इस दुनिया से चले गए। और क्या बोलूँ और मैं, ठीक है भाई दुआओं में याद रखना, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ये हमारी दादा की कब्र है और आज हम आए हैं फातिया के लिए, क्योंकि आज शब रात है और मरहूमीन के लिए फातिया दिलवाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आए हैं फातिया के लिए दादा और दादी की कब्र पे। ये दादा की कब्र है। पानी वो लेके
गाइस ये देखें यहाँ, ये एक मसला है, यहाँ पे चलने का बहुत मसला होता है, जगह बहुत वो है ना, तो इसीलिए बहुत मसला होता है यहाँ चलने का। तो भाई क्या हाल है, कैसे है, खैरियत से? क्या आपने आईफोन रखा हुआ है? बटनों वाला नया मोबाइल। ये पीछे से तो आईफोन लग रहा है भाई, दिखने में आईफोन है बटनों। वाह भाई वाह, चाइना की क्या जुगाड़ है। दादा मैंने तो मां को तो मनी बनाए बोतल ले के रखो, ये तो रखो अच्छे से। गाइस ये देखें, बहुत मुश्किल के बाद हमें अपनी दादी की कब्र मिली है, बहुत ढूंढने के बाद फाइनली हमें मिल चुकी है कब्र। ये वो लगा गया हुआ है ये क्या है, बीच में जो है ये निशान जाता है, पत्थर है, पहले तो नहीं था ये।